प्रदेश में कोरोना की रफ्तार कम होते ही सियासी पारा चढ़ने लगा है। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारी में बीजेपी जोर शोर से जुट चुकी है। वहीं कांग्रेस लगातार बीजेपी की सक्रियता से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट की तैयारी में बूथ स्तर पर मैदान पर उतर चुकी है। वहीं कांग्रेस अपने अंतर्कलह के कारण एक बार फिर से बीजेपी के सामने फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के सीनियर नेता के मिश्रा का कहना है कि जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी सभी नेता और कार्यकर्ता उपचुनाव वाली सीटों में चुनाव जीतने के लिए जुट जाएंगे। बीजेपी उपचुनाव के साथ 2023 और 2024 की तैयारी में जुट गई है। मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट के परिणाम ये साफ हो जाएगा कि 2023 में किसकी सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी ने हमारा बूथ लेवल का प्रबंधन आज से 4 महीने पहले तय कर लिया है। कल यदि नोटिफिकेशन हो जाए तो हम कल शाम को ही अपने चारों उम्मीदवार घोषित कर देंगे। हमारी उस लेवल की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी के तो मुख्यमंत्री जी से लेकर प्रदेशाध्यक्ष से लेकर सारे नेता दमोह में भी गए थे, लाखों करोड़ों रुपए की घोषणाएं कर दी थी, हुआ क्या। झाबुआ उपचुनाव में भी ये सारे नेता गए थे, क्या हुआ, वहां जीती तो कांग्रेस है ना। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपनी असफलताओं के स्मारक को संवारने के लिए इस तरह की नौटंकियां कर रही हैं। देखिए, मध्य प्रदेश का जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है पूरे देश में सबसे अच्छा संगठन माना जाता है, क्योंकि हमारे नेता 24 घंटे जनता के बीच रहते हैं। चुनाव हो या ना हो, आप लगातार देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेता जनता के बीच रहता है। अभी सेवा ही संगठन के तहत हमने कोरोना काल में कितना काम जनता के बीच जाके किया। कांग्रेस के नेता सिर्फ ट्विटर पे दिखाई देते हैं, फेसबुक पे दिखाई देते हैं या अखबार में वाइट देते हुए दिखाई देते हैं। जनता के बीच जाने की कांग्रेस के नेता हिम्मत नहीं जुटा पाते। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।